हाय एवरीवन, प्रियंका सिन्हा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम मावा समोसा बनाएंगे, जिसके लिए हमें एक बड़ा कप मैदा लेना है, चुटकी भर बेकिंग पाउडर लेंगे, लगभग एक या दो चुटकी नमक लेंगे, लगभग एक चौथाई कप घी लेंगे। घी डालने से समोसा खस्ता बनेगा। इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इसे मिलाते हुए इस तरह से आटा को होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी देकर हम आटा को लगाएंगे। हम आटा को हल्के हाथों से लगाएंगे, जैसा आटा पूरी के लिए हम लगाते हैं, ना हार्ड ना ज़्यादा मुलायम। आटा को मसल मसल के नहीं गूंथेंगे। ऐसा करने से समोसा खस्ता बनेगा। अब हम इसे ढक देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद समोसा भरने के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। ड्राई फ्रूट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें एक चम्मच घी डालेंगे और ड्राई फ्रूट को हम भून लेंगे। स्टफिंग के लिए मावा लेंगे, जो हम घर पर खुद तैयार किए हैं, ताज़ा और फ्रेश मावा। इसमें डालेंगे आधा कप चीनी पिसी हुई, किशमिश, भुना हुआ ड्राई फ्रूट, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आटा अब सेट हो गया है, चिकना नहीं करना है। समोसे के लिए बड़ा साइज का लोई हम कर लेते हैं। इसे बेल लेते हैं। अब हम समोसा बनाकर दिखाएंगे, इस तरह से बनाना है। गोलाकार में बेल लें, बीच से कट कर देते हैं। पानी लगाकर हम समोसा को फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से आप फोल्ड करना है। दाब दाब के अच्छी तरह से करेंगे, समोसा खुले नहीं। अब इसमें हम स्टफिंग को भर लेंगे। देखिए, इस तरह से बनाना है। चारों तरफ पानी लगा लें अच्छी तरह से। इसी तरह से हम सारे समोसे को तैयार करेंगे। समोसा को कोटिंग के लिए हम चाशनी बना लेंगे। एक कप पानी में 2 कप हम चीनी डालेंगे। रिफाइंड ऑयल को हम गर्म कर लेते हैं। समोसा तलने के लिए ऑयल को हल्का ही गर्म करना है। हल्की आंच में समोसा को तलें। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। सभी समोसा को हम धीमी आंच पे तल लेंगे। चाशनी में 1-2 इलायची कूट कर हम डाल देंगे। हम चेक कर लेते हैं कि चाशनी तैयार हुआ है कि नहीं। 1 तार वाली चाशनी रखेंगे।
अब चाशनी तैयार है। थोड़ा चाशनी ठंडा होने के बाद इसमें हम सारे समोसे को डाल देंगे। अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से चाशनी में हम डुबो लेंगे। मीठा मावा समोसा बनकर तैयार है।